नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज लगभग 6 महीने के बाद हम आउट स्टेशन ट्रैवल करने के लिए निकले हैं। हम जा रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में। आज सुबह से सफ़र करते करते इस समय दोपहर के 4 बजे हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं। सामने ही रेलवे स्टेशन है। हम ये जर्नी टैक्सी में कर रहे हैं। सामने टैक्सी खड़ी हुई है। पीछे मैं डिस्टेंसेस पढ़ रहा था। नैनीताल यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, भीमताल 20 किलोमीटर दूर है और हल्द्वानी 5 किलोमीटर पहले आया। चलिए यहाँ से अब पहाड़ों की खूबसूरत जर्नी करते करते हम भीमताल की ओर चलते हैं। आज का नाइट स्टे हमारा भीमताल में है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से खुली हवा में खड़े होना। आप देखिए पहाड़ के इस तरफ धूप, इस तरफ सूरज ढल चुका है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। 5 किलोमीटर का और सफ़र करके हम भीमताल पहुंच जाएंगे। मैंने चेक किया था भीमताल में आज का टेम्परेचर, 25 अगस्त आज का टेम्परेचर 19 डिग्री है। मैं वुलन्स नहीं लाया, मेरे को लेके आना चाहिए था। कुछ देर पहले ही हम कंट्री इन रिजॉर्ट पहुंचे। भीमताल लेक से ये जगह लगभग 4 किलोमीटर दूर है। डबल ऑक्यूपेंसी में यहाँ पे रूम टैरिफ 5,000 रुपये से स्टार्ट होता है। हमको इन्होंने 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। कुछ देर रिलैक्स करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि मेन्यू में देखने के बाद कि आज डिनर में हमको क्या खाना है, यहीं पर डिनर करेंगे। मैं इंटरेस्टेड हूँ कुछ लोकल फूड में आज का डिनर किया जाए। सामने जो आप दाल देख रहे हैं, ये गोहत दाल है। गोहत की चुड़कवानी तैयार की गई है। साथ में आपको दूसरी डिश मैं जो दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं मूली का थेचवा। मेरे को याद है जब हम गढ़वाल रीजन में ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ हमने समझा था थेचवा का मतलब होता है उसको कूट के बनाना। तो मूली को चाकू से नहीं काटा गया, सिलवट्टे में रखकर उसको ऐसे कूट दिया गया और मूली का थेचवा तैयार किया गया। मुझे शेफ ने बताया उत्तराखंड में जो खाना तैयार किया जाता है वो सरसों के तेल में किया जाता है। तो ये खास इन्फॉर्मेशन है। साथ में हमने अपने लिए लिया स्टीम राइस। सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाला हूँ गोहत की चुड़कवानी। मेरे को यहाँ आने के बाद पता चला कुमाऊं रीजन में इसको गोहत प्रोनाउंस करते हैं और गढ़वाल रीजन में गहत। गोहत दाल का जो टेस्ट है ना, एकदम अलग है। वैसे तो हर दाल का टेस्ट अलग होता है, लेकिन इसका टेस्ट एकदम अलग है। ये बात मैंने लास्ट ईयर भी नोटिस की थी जब हम उत्तराखंड गए थे। मुझे बताया गया था कि ये दाल सर्दियों में खाई जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। आमतौर पे किसी को अगर पेट में पथरी होती है वो लोग इस दाल का सूप बना के पीते हैं 15-20 दिन और वो पथरी निकल जाती है। प्रिपरेशन जो कुकिंग की गई है एकदम होमली स्टाइल में की गई है। मसाले के नाम पर सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी। अच्छा, एक चीज़ है, पिछली बार जब मैं उत्तराखंड में ट्रैवल कर रहा था वहाँ मैंने नोटिस किया था यहाँ पे ना इस रीजन में मीठे में मेरे को ज़्यादा एक्सप्लोर करने को लास्ट टाइम नहीं मिला था। इस बार मैं कोशिश करूँगा अगले 3-4 दिन में कि कहीं पर मेरे को लोकल डिशेस जो स्वीट्स में यहाँ के लोकल लोग खाते हैं वो खाने को मिले। मैं श्योर नहीं हूँ चांस बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। वैसे तो गोज़ विदाउट सेइंग मूली की शेप अनइवन है क्योंकि इसमें मूली को कूट के इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से इस डिश का नाम है मूली का थेचवा। इसका टेस्ट वैसे तो ठीक है, लेकिन कंपैरिजन में मेरे को गोहत की चुड़कवानी ज्यादा स्वाद लगी। अब हम इस फूड को फिनिश करते हैं और आपसे कल सुबह मुलाकात करते हैं। कल हम लोकल साइट सीइंग करने जाएंगे और कल फिर शाम को हम नैनीताल रुकें या वापस भीमताल में रुकें, इसके बारे में हमने पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया। कल मॉर्निंग में वो भी डिसाइड कर लेंगे। नैनीताल मैंने जैसे आपको बताया यहाँ से पास ही है। आज के लिए
गुड नाइट, कल सुबह मुलाकात करते हैं आपसे। इस समय सुबह के 8 बजे, रात को तो हम भी यहाँ का व्यू नहीं देख सके और आपको भी नहीं दिखा सके। अब आप देखिए सामने पहाड़ और ग्रीनरी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं लोकल साइट सीइंग करने के लिए, कुछ लेक्स हैं वो देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए, समर्स के दौरान भीमताल में जो टेम्परेचर रहता है वो 15 से 29-30 डिग्री की रेंज में फ्लोट करता है और विंटर्स में 4 से 18 डिग्री। तो सर्दियों के दिनों में यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है। इस समय हमने हाफ स्लीव पहना हुआ है लेकिन वुलन्स की ज़रूरत नहीं है, आज 26 अगस्त है। चलिए चलते हैं, लगेज हमारा पैक है, वेट कर रहे हैं कोई हमें हेल्प कर दे बाहर पहुंचाने में। आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं सातताल से। हम भीमताल के पास अपने रिजॉर्ट से चले और लगभग 9 से 10 किलोमीटर का सफर करके इस समय हम सातताल पहुंच चुके हैं। सातताल के सामने ही कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है, KMVN। यहाँ पर अभी हम खड़े हैं रेस्ट हाउस के बाहर। यहाँ रेस्ट हाउस का स्टाफ है, इनसे मैंने बात करके समझा यहाँ पर जो रहने की सुविधा है, टोटल यहाँ पर 9 रूम्स हैं। सामने टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन के साथ साथ रेट कार्ड भी लिखा हुआ है, 1400, 1700, 2000 रुपये। तो भाई एक तो आप हमारे को रूम दिखा दीजिए, या तो 1700 वाला दिखा दीजिए या 2000 रुपये वाला। यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं हमें सातताल दिखाई दे रहा है। इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया इस जगह का नाम सातताल है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ पे सात ताल हैं, मतलब 7 लेक्स हैं, और जिनके नाम हैं रामताल, सीताताल, लक्ष्मणताल, भरतताल, हनुमानताल, गरुड़ताल, इस प्रकार से। ये सातों जो लेक्स हैं अलग अलग हैं, केवल रामताल और सीताताल एकदम सामने हैं, बाकी थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हैं, आधा किलोमीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है जी, ऊपर रूम देखते हैं। ये रूम का क्या टैरिफ है? 1600 प्लस टैक्स। सही है, एयरी रूम है, एक खिड़की इस तरफ है और एक खिड़की इस तरफ है। तो इस समय यहाँ पर हम खड़े हैं, पंखे की जरूरत नहीं है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके, बढ़िया। तो इसकी बुकिंग वेबसाइट से होती है? ऑनलाइन, KMVN। ठीक है, चलो नीचे चल के हम लोग साइट सीइंग के बारे में आपसे बात करते हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। आइए जी। मैंने इनसे समझा यहाँ पर 2 साइट सीइंग स्पॉट्स हैं, एक तो है वाटरफॉल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। इस समय बरसात का टाइम चल रहा है, रास्ते में बहुत लीच मिलेगी तो वाटरफॉल हम नहीं जा रहे, गाड़ी नहीं जाती, ट्रैक करके ही जाना होता है। दूसरा हिडिम्बा टेम्पल है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ भी ट्रैक करके जाना होता है, तो हम हिडिम्बा टेम्पल जा रहे हैं, वहाँ पर भी लीच हो सकती है लेकिन चांस कम है। रंजन है हमारे साथ, रंजन का वैसे काम है टूरिस्ट को बोटिंग करवाना, अभी टूरिस्ट कम चल रहा है तो रंजन थोड़ा सा टाइम फ्री है तो हमारे को एज ए गाइड 2.5 से 3 घंटे आप हमारे साथ रहोगे, और आप एज ए गाइड जो चार्ज हमसे लोगे वो 300 रुपये रहेगा। 11:30-12 बजे तक हम लौट कर आएंगे, तो आपके साथ हम चलते हैं। KMVN के साथ ही ये रास्ता निकलता है, ये कंट्री इन लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में होटल है कंट्री इन सत्ताल। यहाँ से हम 200 मीटर सीधे जाएंगे, वहाँ से हमारा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होगा। लेफ्ट साइड में ये क्या YMCA जो दिल्ली में है उसका कैंप साइट है। ठीक है, आओ जी। पहले मैं बैठने वाला था, अच्छा हो गया मैं यहाँ पे नहीं बैठा, देखो लीच। रंजन ने बोला है कि जीन्स को ऐसे फोल्ड करो, सॉक्स नीचे करो और इस तरह से आप नमक लगा लो, तो ऐसा करने से लीच अगर आ भी गई तो तुरंत छूट जाएगी। इससे पहले लीच निकल जाएगा ना सर। रास्ता अच्छा खासा स्टीप है, अभी आधा रास्ता हमने कवर किया, 20 से 25 मिनट लगे हैं। सामने जो थोड़ा थोड़ा लेक व्यू दिखाई दे रहा है ना वो सत्ताल है, आप देखो कितनी हाइट तक हम आ चुके हैं, 1.5 किलोमीटर हमको और चलना है ऊपर, ज़्यादा रुक नहीं सकते क्योंकि नीचे जहाँ जहाँ थोड़े से
ग्रासलैंड है, पौधे हैं, वहाँ पर लीच है, तो अगर हमें बीच में रुकना भी है तो हम धूप वाले एरिया में एक मिनट के लिए रुक जाते हैं। हम हिडिंबा टेम्पल पहुँच चुके हैं, रास्ता नैरो था, टोटल ग्रीनरी थी, 40 मिनट लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में, बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है। 5 मिनट यहाँ बेंच पे बैठेंगे, शूज़ उतारेंगे, फिर हम सामने टेम्पल में जाएंगे। मंदिर में यहाँ पर हम बाबा जी से मिले हैं, इन्होंने हमें बताया ये हिडिंबा माता का मंदिर है, द्वापर युग से है, तो यहाँ पर मंदिर तो बाद में बना है, लेकिन ये पूरी जो पहाड़ी है ये हिडिंबा बोलते हैं इस पहाड़ी को, और जो हिडिंबा माता थी पहले यहाँ पर उन्होंने पूजा करी, और उसके बाद वो यहाँ से वो मनाली की ओर गई। बाबा जी ने प्रसाद में हमारे को आलू के गुटके दिए हैं, मैंने इनसे समझा इसको तैयार कैसे किया जाता है। आलू को उबालने के बाद छिलका निकाला, उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला और उसमें जीरा नमक हल्दी डाल के उसको एक तरह से फ्राई कर लिया, और ये हमारे आलू के गुटके तैयार। ये देखिए जी, जीरा आलू की एक तरह से सूखी सब्जी है, स्वाद काफी अच्छा है, और यहाँ पर नाश्ते में या स्नैक्स में लोग काफी पसंद करते हैं। अब हम यहाँ से नीचे की ओर उतर रहे हैं, 10 से 15 मिनट लगेंगे हमको सत्ताल पहुँचने में, कुछ देर सत्ताल लेक के पास रुकेंगे, फिर हम भीमताल की ओर जाएंगे। जब हम टेंपल से नीचे की ओर उतर रहे थे तो रंजन से मैं बात करते आ रहा था कि लंच कहाँ कर सकते हैं, तो रंजन हमारे को एक ढाबे में ले आए हैं, सत्ताल का जो बोटिंग पॉइंट है उसके पास ही ये ढाबा है, मधुबन रेस्टोरेंट सामने लिखा हुआ है, ढाबे के ओनर हमारे साथ खड़े हैं। भैया हमें आपके पास यहाँ पर कुमाऊनी खाना खाना है, तो एक आपने बताया कुमाऊनी रायता, दूसरा भट्ट की दाल बताया, भट्ट की चुड़कुआनी, और साथ में मंडवा की रोटी, ये आप जहाँ बनाएंगे हम वो जगह देखते हैं, उसके बाद खाते हैं, चलें आइए। भूपी जिनका ये ढाबा है उनकी मदर भी साथ में ही है, तो आप भट्ट की चुड़कुआनी बना रहे हो हाँ। तो इसका क्या तरीका होता है बनाने का, पहले आपने सरसों का तेल डाला कढ़ाई में हाँ। अभी फिर वो गर्म हो जाएगा तो भट्ट डाल देंगे। अच्छा, भट्ट की दाल, जो साबुत दाल है, तो इसको भट्ट की दाल बोलते हैं, भट्ट की दाल बोलते हैं। अच्छा, इसमें साबुत धनिया, जीरा, सूखी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक, जीरा, लहसुन, ये सब चीजें रहती है, सिलपट्टे में पीस के बनाते हैं। एक चीज और मैं देख रहा हूँ, आप इसको लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, जो भी प्रॉपर जो लोग खाना बनाते हैं। लो जी, आपने गेहूं का आटा डाल दिया और अब ये मसाला डाल लिया। आटा डालते ही खुशबू निकल आई, वाह। अब लगभग 20 से 25 मिनट इस दाल को पकाया जाएगा, तब तक हम कुमाऊनी रायता देख लेते हैं कैसे तैयार हो रहा है। ये जो आपने मसाला बनाया, इसमें जीरा कौन सा, जाखिया था? हाँ, यही बाजार का ही जीरा, एक ही थरा। तो जाखिया नहीं करते आप इस्तेमाल? जिक्या इसमें नहीं डालते, जिक्या हरी सब्जी में डालते हैं। हरी सब्जी में, ओह ये अच्छा कि आपने कुमाऊनी रायता बनाने का सामान इधर ही लिया है। ये जो रायता रहता है और जगहों के रायते से इसलिए अलग है, इसमें मेन चीज है राई, उसमें साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और ये नमक डाल के इसको सिलपट्टे में पीसा जाता है, मेन इशू है। तो राई से टेस्ट बदलता होगा? बदलता है। ये राई हुआ है जो हमने मसाले में इस्तेमाल किया हुआ रायते में बनाने के लिए। ये हल्दी, इसको थोड़ी देर हल्दी को दही में ऐसे दही में आपने हल्दी और नमक डाल दिया, वाह। लो जी, कद्दूकस खीरा आ गया। बड़ी हमने चर्चा सुनी है कुमाऊनी रायते के बारे में, काफी लोग बोलते हैं कि कुमाऊ जाओ तो ये मिक्स कर। अच्छा, मेन आपका ये मसाला है जी, मिक्स कर। जब तक भट्ट की चुड़कुआनी तैयार हो रही है, साथ साथ आप
मंडुआ की आटी की रोटी तैयार कर रहे हैं जी। अच्छा एक चीज मैंने पहले भी जब उत्तराखंड में गया था काफी लोग से पूछा था, इसमें आप दूसरा आटा मिक्स करते हो गेहूं का? गेहूं का, गेहूं का आटा, ताकि वो टूटे ना। टूटे नहीं, उसको तो बना भी लेते हैं, बन भी जाती है, पर रहता है ना उसको काफी मोटी बनाना पड़ता है। तो ये जो मंडुआ की रोटी है, मंडुआ की रोटी है, ये आप सर्दियों में खाना पसंद करते हैं गर्मियों में? गर्म रहता है। हाँ वैसे ये बात खास है कि आप शुरू में देखो, मतलब हम देख रहे हैं शुरू में रंग कैसा था और इस समय कुछ कुछ हरा हरा हो गया। पहाड़ों में लोहटू रोटी कहते हैं इसे। लोहटू रोटी, लोहटू रोटी। इसमें क्या होता है? इसमें मंडुआ का आटा डाल दिया ही। अच्छा, अंदर आपने मंडुआ का आटा डाल दिया और बाहर से गेहूं का आटा? गेहूं का आटा, अंदर जैसे पराठे का रहता है ना उस टाइप का। लोहटू रोटी, लोहटू, तो हमारे लिए आप एक बना दीजिए लोहटू रोटी एक और एक मंडुआ की रोटी। सत्ताल लेक के पास कुमाऊनी लंच हमारे लिए तैयार है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। ये है भट की चुड़कवानी, हमने बनते समय भी देखा इसमें काला भट इस्तेमाल किया गया। सैलड ऊपर जो आप चटनी देख रहे हैं, इसमें नमक लहसुन जीरा मिक्स करके चटनी तैयार की गई है। कुमाऊनी रायता ये तो बहुत फेमस है, टेक्सचर बहुत शानदार। दो किस्म की रोटी है, मंडुआ की और लोहटू रोटी, ये भी हमने बनते समय देखा। आज कम से कम एक साल के बाद मैं भट की चुड़कवानी खा रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेन बात क्या है, इस खाने में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है। बनते समय हमने देखा सादे मसाले और इतने टाइम बाद खा रहा हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मानना पड़ेगा राई इसके अंदर पूरी तरह से गेम चेंजर है। जैसा इन्होंने मेरे को बताया था खाते समय आपके नाक में चढ़ेगी राई, वैसा महसूस हो रहा है। मतलब आप हल्का सा भी अगर नींद में हो तो आपकी नींद खुल जाएगी ये कुमाऊनी रायता खाकर। हल्की हल्की मिर्च है क्योंकि उस मसाले के अंदर मिर्च भी थी। वेरी टेस्टी, दिल खुश हो गया। भट की चुड़कवानी मेरे को बहुत पसंद आई, मंडुआ की रोटी कॉम्बिनेशन और कुमाऊनी रायता, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। एक चीज है, मंडुआ की रोटी जब तैयार हो ना तो आप उसमें घी डलवाओ और गर्म गर्म खाओ, जिस तरह से हम खा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है और हो सकता है आपको एक या दो बार खाना पड़े टेस्ट को समझने में, लेकिन आपको इसका टेस्ट समझ आ जाएगा ना तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। एक बार इसको आप क्लोजअप में देख लीजिए, इस तरह से ये रोटी अंदर से दिखती है। अगर आपने आज से पहले कभी काला भट नहीं खाया तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, इसको इंग्लिश में सोयाबीन बोलते हैं। इसका स्वाद कुछ कुछ लोबिया जैसा होता है। तो आमतौर पे अपने घरों में जो हम लोबिया बनाते हैं उसको तो कुकर में उबाल कर इस कदर पक जाता है कि वो दाल जैसा पतला हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भट का दाना है वो थोड़ा थोड़ा कच्चा रह जाता है। तो आप खाते हैं तो आप बाइट करते हैं तो स्वाद काफ़ी डिफरेंट आता है। आगे का प्लान ये है, लंच फिनिश करने के बाद हम भीमताल जाएंगे, फिर नौकुचिया ताल जाएंगे, फिर जाएंगे हम मुक्तेश्वर। इस समय दोपहर के 2 बज चुके हैं, मन हो रहा है कि बोटिंग की जाए। सुबह धूप तेज निकली हुई थी और इस समय बादल भी आ गए और मौसम थोड़ा अच्छा सा हो गया, चारों तरफ पहाड़ हैं, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, टूरिस्ट बहुत कम है, समझ लीजिए ना के बराबर। लेकिन अगर हम बोटिंग के लिए यहाँ पर रुकेंगे तो मुक्तेश्वर पहुँचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, या हो सकता है हम जा ही ना पाएँ। तो हम क्या करेंगे, बोटिंग करेंगे नैनीताल में। आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा लग रहा है। यहां पर जहां मैं अभी खड़ा हूं ना, इस जगह खड़े होके अगर मैं पानी की तरफ देखता हूँ तो मेरे को हल्का हल्का चक्कर आ रहा है, लेकिन सामने देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ पहाड़, ऊपर बादल, 3:30 बजे दोपहर का टाइम है लेकिन धूप बिल्कुल नहीं है।
मैंने पता लगाया कि बोटिंग के वैसे चार्जेस हैं 300 रुपये, आज की डेट में पैडल बोट नहीं चल रही लेकिन पैडल बोट का 300 रुपये चार्ज, और अगर आप चप्पू वाला बोट करते हो जिसमें 4 लोग जा सकते हैं तो उसका चार्ज है 800 रुपये। इस तरह से पूरा राउंड में आपको नौकुचिया ताल घुमाते हैं और 40-45 मिनट में आप लौट कर यहाँ पर वापस आते हैं। अब हम नौकुचिया ताल के एक बोटिंग पॉइंट से चलकर दूसरे बोटिंग पॉइंट पर आ गए हैं। ये सारी बोट खड़ी हैं यहाँ के, मैंने दोबारा फाइंड आउट किया बोट का जो चार्ज है जिसमें 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं वो है 500 रुपये, ना कि 800 रुपये। 40-45 मिनट की बोटिंग रहती है। यहाँ से व्यू उतना अच्छा नौकुचिया ताल का नहीं आ रहा जितना वहाँ से अच्छा आ रहा था, लेकिन यहाँ खड़े होकर दूसरी बात ये है, आप सामने देख सकते हो ताल, इसको बोलते हैं कमल ताल। मई जून या जुलाई में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारे कमल के फूल दिखाई देंगे। और सामने KMVN का रेस्ट हाउस है। नौकुचिया ताल से अभी हम 1 किलोमीटर ही आगे आए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हनुमान जी का मंदिर है। इस समय मंदिर का जो मेन गेट है वो तो क्लोज है लेकिन हनुमान जी की मूर्ति हमें सामने दिखाई दे रही है। 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम रुके हैं। नौकुचिया ताल से 10 मिनट का सफर करके हम भीमताल आ चुके हैं। ये देखिए आप सामने भीमताल का नज़ारा, सामने जो आप आइलैंड देख रहे हैं वहाँ पर एक्वेरियम है। मैंने पता लगाया कि इस समय एक्वेरियम बंद है तो आप बोटिंग तो कर सकते हैं लेकिन एक्वेरियम के अंदर नहीं जा सकते। 250 रुपये चार्ज देकर आप 2 बड़े और 2 बच्चे 4 लोग बोटिंग कर सकते हैं। 1.5 से 1.5 घंटे में आपको घुमाकर वापस यहाँ पर लेकर आएंगे। बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखिए सामने बादलों की मूवमेंट। शांत वातावरण है इस समय क्योंकि टूरिस्ट नहीं है। 15-20 मिनट यहाँ पर रुकते हैं, मौसम इस समय लग रहा है कि बारिश हो सकती है तो 15-20 मिनट रुकेंगे। 4 बज चुके हैं, 4:30 बजे हम यहाँ से मुक्तेश्वर के लिए निकलेंगे। भीमताल बोटिंग पॉइंट से पैदल चलकर हम भीमेश्वर महादेव मंदिर की ओर आए। इस समय मंदिर क्लोज्ड है, अंदर नहीं जा सकते। ये लोकेशन बहुत शानदार है। सबसे मेन बात ये जो रास्ता आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आप 1/2 घंटा 1.5 घंटा भी बिताएंगे तो आपको लगेगा कुछ समय और बिताना चाहिए क्योंकि यहाँ खड़े होकर भीमताल का व्यू देखकर वाकई में मज़ा आ रहा है क्योंकि आप थोड़ा सा हाइट से देख रहे हो, साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। यहाँ पर डैम बना हुआ है। कल शाम को जब हम उत्तराखंड पहुंचे तब से लेके इस समय तक का ये बेस्ट व्यू है जो हम एंजॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छा मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर आप धीरे धीरे ऐसा वॉक करते रहिए, वापस आ जाइए। ये कोई 150 मीटर का एरिया है। यहाँ चलकर अच्छा इस वजह से लग रहा है क्योंकि भीमताल का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है और हवा बहुत शानदार चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हम इंजॉय कर रहे हैं। अब हम यहाँ से अपनी पार्किंग की ओर चलते हैं, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, हमें जाना है मुक्तेश्वर। मैंने मैप्स में चेक किया था 38 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, हमको पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। इस समय 4:30 होने वाले हैं तो लगभग 6 बजे तक हम पहुंचेंगे। फाइनली हम मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं। यहां पर रहने के लिए हमने अकोमोडेशन लिया है KMVN में, कुमाऊं मंडल विकास निगम। अलग अलग कैटेगरी में रूम्स थे तो हमने 2600 रुपये में डबल ऑक्यूपेंसी रूम लिया है। ये कॉटेज स्टाइल में है, कंफर्टेबल रूम है। आज का नाइट से यहीं करेंगे, कल हम मॉर्निंग में थोड़ा यहाँ घूमेंगे और फिर कल या तो रात को हम रानीखेत रुकेंगे या हम कल कौसानी जाएंगे। नैनीताल हम लौटते समय लास्ट में जाएंगे। बताइए आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।